हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी इस साल 72 साल के हो जाएंगे और इस खास दिन पर पीएम मोदी भी नेशनल पार्क को तोहफा देंगे। पीएम मोदी 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुना नेशनल पार्क में छोड़ सकते हैं। ये चीते नामीबिया से खास तौर पर भारत लाए जा रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 17 सितंबर को है पीएम मोदी का 72वां जन्मदिन। जन्मदिन पर पीएम मोदी देंगे देश को बिग गिफ्ट। देश को सौंपेंगे 8 अफ्रीकी चीते। 70 साल बाद भारत में दिखाई देंगे चीते। चीतों को लाने के लिए नामीबिया पहुंचा स्पेशल विमान। देश भर में कई अन्य कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। पीएम मोदी इस साल 72 साल के हो जाएंगे और इस खास दिन पर पीएम मोदी भी नेशनल पार्क को एक तोहफा देंगे। पीएम मोदी 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ सकते हैं। बता दें कि चीते नामीबिया से खास तौर पर भारत लाए जा रहे हैं और ये इसलिए भी खास है क्योंकि इन्हें करीब 71 साल पहले देश में विलुप्ति प्राणी की घोषणा की जा चुकी है। तब सरकार ने 1970 के दशक की शुरुआत में इस प्रजाति को पुनः बसाने के प्रयास शुरू किए थे और नामीबिया के साथ इस साल 20 जुलाई को एक करार किया गया, जिसके चलते सबसे पहले 17 सितंबर को 8 चीते भारत लाए जा रहे हैं। अब नामीबिया चीता प्रतिस्थापन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 8 चीते भारत को दे रहा है, जबकि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए जाने को लेकर दोनों देशों के बीच बात अंतिम दौर में है। अफ्रीका की टीम ने भारत का दौरा कर तैयारियों का जायजा भी लिया है, वो तैयारियों से संतुष्ट है। चीतों को लाने के लिए भारत का स्पेशल विमान नामीबिया पहुंच चुका है। इस स्पेशल विमानों पर चीतों की खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है। जानकारी के मुताबिक चीतों को नामीबिया से कार्गो विमान के जरिए जयपुर लाया जाएगा, जिसके बाद हेलीकॉप्टर से उसी दिन मध्य प्रदेश के कोनो पॉपुलर राष्ट्रीय उद्यान लाया जाएगा, जिन्हें पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर देश को सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस 17 सितंबर शनिवार को जयपुर से करहल आ रहे हैं। यहां वो नामीबिया के चीतों को कुनो नेशनल पार्क के क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ेंगे। इसके साथ ही करहल में आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह में शामिल होकर आत्मनिर्भर बहनों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भारत आने वाले इन 8 चीतों की तस्वीरें जारी की गई हैं। इनमें से 3 नर और 5 मादाएं बताए गए हैं। इनकी उम्र 2.5 से 5 साल के बीच है। ये भी जानकारी मिली है कि इनमें से 2 सगे भाई हैं और नामीबिया के एक प्राइवेट रिजर्व में रहते हैं। चीतों को भारत लाने की परियोजना में शामिल एक एजेंसी चीता संरक्षण कोष ने एक विवरण जारी कर बताया कि इन चीतों में 8 नर हैं जबकि 5 मादा हैं। इनकी उम्र 4.5 साल, 1-2 साल की और 1.5 साल की और एक की उम्र 3 से 4 साल के बीच बताई गई है। रिपोर्ट प्राइम टीवी। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।